आगे बढ़ते हैं, बात पानीपत की करते हैं। यहां 529 पोलिंग बूथों पर मतदान चल रहा है। इनमें 121 संवेदनशील और 187 अति संवेदनशील बूथ हैं। हालांकि तमाम बूथों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 9 जिलों में वोटिंग हो रही है और उसी में पानीपत भी शामिल है। शाम 6 बजे तक आज ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। पानीपत में 457,632 वोटर्स हैं और उसके अलावा 17 जिला परिषद की सीटें हैं और 131 ब्लॉक समिति की सीटें हैं, जो जिला परिषद और पंचायत समितियों के उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला भी करेंगे। 4 लाख से ज्यादा मतदाता विकास कार्य थे वो सारे रुके पड़े हैं, तो इससे जो चुनाव आज के दिन है तो गांव में खुशी की लहर है, क्योंकि 2 साल से अगर जिस भी चीज़ को नहीं संभाल लेंगे तो चीज़ अपने आप खराब हो जाती है। तो आज चुनाव है, उम्मीद है अच्छा कोई सरपंच बनेगा, कोई ब्लॉक समिति मेंबर बनेगा, कोई जिला परिषद मेंबर बनेगा जो गांव का विकास करवाएगा, और एक बहुत अच्छी उम्मीद है इन चीज़ों से। लोगों में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह, आप देख सकते हैं सवेरे 7 बजे का टाइम है और सर्दी का टाइम है, लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव जाएगा। जिसको वोट दिए कि वो काम करेगा, पहले वाले से बेटर काम करेगा। कमी तो है, सड़कें वगैरह नहीं सही बनी है, निकासी नहीं सही है, ये सबसे बड़ी कमी तो यही है। मुझे लग रहा है महिलाओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्या कहना? जी सर, ये तो है, महिलाओं में ज्यादा है क्योंकि उनको उम्मीद है कि कुछ तो हमारे लिए भी खास होगा। जो बच्चे हैं, युवा है, उनके लिए खेल का मैदान होना चाहिए और कुछ जगह हमारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे बंदा आ जा नहीं सकता, और गांव के हर एक कोने पर ठेका हुआ है, दारों का ठेका है। सबसे मेन जरूरी तो यही है, वहाँ पे कोई मलिया नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकता, सबसे मेन जरूरी तो यही है भाई ठेका। गलियों में पानी भर रहता, आने जाने की सुविधा ही नहीं है, बिल्कुल बारिश में बहुत दिक्कत होती है हमारे को आने जाने में। चलो ठीक।